दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ना सिर्फ व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज की, बल्कि 5 गाड़ियां जो माल की लदी हुई थी उनको भी सीज कर लिया है और 1 महीना होने को है इन गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा। पूरी ये जो घटना हुई है इसके अंदर किसका कसूर नजर आ रहा है, व्यापारी का है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, या फिर गाड़ी मालकों या चालकों का, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9831 9831। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पंजाब के रहने वाले हैं सरबजीत सिंह, उनकी 2 गाड़ियां माल लेकर गई थी, खन्ना पेपर मिल है पंजाब के अंदर, वहां से कुछ माल लेकर इनको यूपी के मुजफ्फरनगर जाना था। माल क्या था? पेपर वेस्ट था, इसके अंदर जो पेपर का कचरा भी होता है और कुछ प्लास्टिक मटेरियल भी इसके अंदर होता है, और खन्ना पेपर मिल जो है काफ़ी बड़ी मिल है, वहाँ पर पेपर बनता है, कागज़ बनता है, तो उसका जो वेस्ट होता है वो मुजफ्फरनगर जाता है। मुजफ्फरनगर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर ये जो कबाड़ कहें या इसको वेस्ट मटेरियल को सेग्रीगेट किया जाता है, यानी कि मिक्स होता है कई चीज़ों का तो उसको अलग अलग किया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। तो पहले भी गाड़ियां जाती रही हैं खन्ना पेपर मिल से या पंजाब से या देश के दूसरे हिस्सों से मुजफ्फरनगर पहुंचती हैं, लेकिन इस बार हुआ ये सरबजीत सिंह के साथ के 2 गाड़ियां जब इनकी गई 15 जून को ये लोड लेकर यहां से चली थी, मुजफ्फरनगर के अंदर मैसेज यूनिक इंटरप्राइजेस है वहाँ पर इन गाड़ियों को जाना था, और गाड़ियाँ सही सलामत है कि दिन में मुजफ्फरनगर पहुँच जाती हैं, लेकिन 16 जून को यूपी का जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल्स आते हैं, एक एफआईआर दर्ज करते हैं यूनिक इंटरप्राइजेज जो कि व्यापारी है, कंसाइनी है जिसने माल रिसीव करना था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत, और इसके साथ ही एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट की धारा के तहत। ये जो धाराएं लगाई गई हैं कंसाइनी के ऊपर, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये प्लास्टिक वेस्ट है और इससे पोल्यूशन होता है, जो माल मंगाया है कंसाइनी ने, ना सिर्फ जो आसपास लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उनकी सेहत को खतरा है, बल्कि जो क्रॉप है, जो फसल उगाई गई है आसपास, उसको भी इससे नुकसान होता है, खतरा है, इसीलिए ये धाराएं लगाकर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है कंसाइनी के ऊपर। अब इससे ये जो मटेरियल है उससे खतरा है, पोल्यूशन है नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है ग्राउंड रिपोर्ट का। हमारा मसला ये है कि 2 गाड़ियां सरबजीत सिंह की और 3 गाड़ियां और 5 गाड़ियों को भी साथ में ही सीज कर लिया गया है, और ये गाड़ियां 16 जून से पोल्यूशन डिपार्टमेंट के कब्जे में है, और लगभग पूरा 1 महीना हो गया है अब तक गाड़ियाँ छोड़ी नहीं जा रही हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि 50,000 रुपये के करीब भाड़ा तय हुआ था, 1 पैसा भी एडवांस ना दिया गया ना लिया गया, और 2 जो गाड़ियां सरबजीत सिंह की हैं, 1 गाड़ी की किस्त जो महीने की 47,000 है, दूसरी की 28,000 है। सरबजीत सिंह ने बताया कि इस महीने वो किस्त नहीं भर पाए हैं क्योंकि जब कमाई नहीं हुई है तो मैं इतने पैसे कहां से दूं, और डर ये है कि वो डिफॉल्टर कैटेगरी में ना आ जाएं, और उसके बाद आपको पता है क्या होता है, रिकवरी एजेंट पीछे लग जाते हैं, गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। गलती इस केस में उनका कहना है कि मैं बकायदा ई वे बिल के साथ आया हूँ, बकायदा बिल्टी के साथ आया हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई नशा ढो रहा हूँ अपनी गाड़ी के साथ। अब मसला ये असल में व्यापारी का है, व्यापारी के ऊपर एफआईआर हुई है, मेरी गाड़ियाँ बिना वजह इसके अंदर फंस गई हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कंसाइनी से बात की, जो व्यापारी है उससे भी बात की, तो उसका कहना था कि 1-2 दिन में गाड़ियाँ छूट जाएंगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ। और जब हमने गाड़ियों के बारे में पूछा तो व्यापारी का उल्टा इल्ज़ाम ये था कि ड्राइवरों की वजह से मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। जब हमने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने बताया कि जब पोल्यूशन डिपार्टमेंट वालों ने इन गाड़ियों को पकड़ा तो उनसे पूछा कि माल कहाँ जाना है, और इन लोगों ने बोल दिया कि मुजफ्फरनगर जाना है मेरी फैक्ट्री में, जिस चक्कर में ये गाड़ियां पकड़ी गई और मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। तो हमने कहा कि ड्राइवरों ने झूठ क्या बोला, यही ई वे बिल पे या बिल्टियों पे लिखा हुआ है। लेकिन व्यापारी ने कहा कि असल में यहां पर माल की सॉर्टिंग होनी थी, सेग्रीगेशन होनी थी अलग अलग, उसके बाद इस माल को राजस्थान जाना था, ये माल यहाँ पर यूज नहीं होना था, ये बताना चाहिए था ड्राइवर। अब बताइए आप मुझे कि ड्राइवर को कैसे पता कि ये माल का आगे क्या होने वाला है। ड्राइवर का काम सिर्फ इतना है जो माल उसे दिया गया है वो
डिजायर्ड डेस्टिनेशन जो है वहां पर पहुंचा दिया जाए, जो उन्होंने भली बात काम कर दिया बिना किसी डिले के, तमाम कागजात साथ में रखे, उनको क्या पता कि व्यापारी इस माल के साथ क्या करने वाला है। तो निश्चित तौर पर जो भी हुआ है ये व्यापारी और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के बीच की बात थी, जिसके अंदर गाड़ियां बिना वजह फंस गई हैं। यही हमारे देश के अंदर ट्रेंड है, गलती किसी की भी हो गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। अगर ये माल ख़राब था या व्यापारी की गलती है तो माल को उतार दिया जाए और गाड़ियों को वापस भेज दिया जाए, और भाड़ा भी उनका बनता है, व्यापारी को देना चाहिए, और इसके अलावा हॉल्टिंग चार्जेस भी एक महीने से व्यापारी से वसूलने चाहिए। हम आग्रह करेंगे सरबजीत सिंह से कि अगर MSME में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आपको MSME का एक फोरम होता है, वहाँ पर जाकर अपनी पेमेंट मांगनी चाहिए या फिर कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। फिलहाल पहली प्रायोरिटी गाड़ियों को छुड़वाना है। जो कंसाइनी से ट्रांसपोर्ट टीवी की बात हुई है तो उसने प्रॉमिस किया है कि जल्द ही मैं गाड़ियों को छुड़वा लूँगा। जो हमारी बात हुई है आम लोगों से, जो पता चला है वो ये है कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट और इन कंपनियों की सांठ गांठ से ही सब कुछ होता है। जब कभी उनके रिश्तों में दरार आ जाती है तब इस तरीके से गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है या FIR हो जाती है, या दूसरे जो इनके कंपटीशन के व्यापारी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर FIR करवाते हैं या कंप्लेंट कर देते हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये कोई पहली बार माल नहीं गया है वहाँ पर, पहले भी जाता रहता है लेकिन कभी कभी सेटिंग नहीं होती, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तब ऐसे वाकया हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं का अगर हल की बात करें तो इसका असली हल तो ये है कि लोकल लेवल की जो हमारी संस्थाएं हैं देश के अंदर, उनका ये काम है असल में, वो जाके वहाँ पर प्रेशर डाल सकती हैं, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ उसका मालिक कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन माफ़ कीजिए, कहना पड़ेगा कि जो लोकल स्तर की हमारी एसोसिएशन हैं वो पूरी तरह से पूरे देश में लगभग फेल हैं। कभी नहीं देखा जाता कि इस तरीके की कोई समस्या आई और वो लोग वहाँ पर पहुँच के मसले का कोई सोल्यूशन करवा दें। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगे तो ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।